अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेल जी, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ आमना का स्कूल का फर्स्ट डे, जब आमना का एडमिशन करवाना जाना था और उसके बाद सारी प्रेप्स हैं जो स्कूल जाने के लिए करनी थी, लाइक शूज़ लेने थे और फ़ोटोज़ चाहिए थी इनकी और पासपोर्ट साइज़ और इस तरह के और थोड़े से काम थे जो कि करने थे। और जी, ये वो दिन है जब आमना का एडमिशन और अनिका का एडमिशन हुआ है स्कूल में। और इसके अलावा ये था कि सारी रात सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। आमना सारी रात मतलब सो नहीं सकी, इतना फियर था स्कूल का कि क्या होगा, बहुत स्ट्रेस ले रही थी और तबीयत इनकी बहुत ख़राब रही है। तो ये जस्ट मैं रात में फिर इनका क्लिप बना रही थी कि कभी सोती थी, जागती थी, टांगे दबा दें और बस पता नहीं क्या इनके जहन में चल रहा था। तभी कहते थे अपने बच्चे को क्यों इतना डर रहा है स्कूल से। अनिका तो हैप्पी है कि उसने स्कूल जाना, पर आमिना को क्या हो गया? चटनी नहीं कर लो, थोड़ा शोर सो लो, टेंशन से आपको नींद नहीं आ रही। एक्चुअली ये सब कंडीशन भी मेरी वजह से ही थी क्योंकि मैंने आमिना को और अनिका को इतनी ज़्यादा प्रेप करवाई है एडमिशन टेस्ट के लिए कि मेरी बेटी ने स्ट्रेस ही ले लिया इस चीज़ का, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब हम रोज रोज स्कूल जाएंगे। हाँ, सैटरडे संडे होगा। हाँ जी, बच्चों को पार्क में लेके चले जाते हैं। हाँ, बच्चों आप पार्क में जाना, पार्क में जाना। अच्छा, ये फिनिश कर लो, फिनिश कर लो पहले, तो फिर जल्दी कर लेना। अच्छा जी, स्कूल के बिल्कुल सामने जो है वो फैमिली पार्क है और जितनी देर में हम आधे टी गए थे पैसे वगैरह लेने के लिए, और क्योंकि हमने आज ही सब सबमिट करवा के और वही नेक्स्ट डे से बच्चों ने स्कूल आना था तो बस, तो फिर कहा चलो बच्चों के सामने पार्क ले जाते हैं और इसके बाद घर जाके मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे। घुमा ले ना उसे। फाड़ दिए शूज, अब आमना की टर्न। लुक हियर, आते साथ ही कपड़े रास्ते में ही। हाँ जी निका डार, ये ले जी। बहुत गर्मी लगी है पार्क में खेल के फिर। अभी मैंने आप स्कूल का डे बहुत अच्छा था, मैंने अभी देखा, अभी आप दोनों को मैंने क्या करना है ये देखो। तो वह अब आप लोगों की राइटिंग पैटर्न चेंज हो गया तो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अपने अपने शूज उठा के कबर्ड्स में। अनिका डार बहुत थक गए, बहुत थक गए। कितने बजे आए? 12 बजे घर। हाँ जी, क्या क्या है? रस दूसरे भी थे, मैंने कहा नहीं हमें पैकिंग वाली चाहिए, उनके पास एक ही पैक था ये, और ब्रेड ले ली थी इनकी। हाँ खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, आपका लंच आया, पैटी ली है और ये जिंगर पीस सामना ने मंगवाया था और ये चिकन, वो चिकन चिकन फ्राइज और ये फन नगेट्स लिए इनके, और पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास। चीजें तो और भी नजर आ रही है, पर 4000 लेके गई थी और पूरा कर दिया। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा था आपको। इसके अलावा सब्जी ली है। सब्जी क्या ली है? मैंने भिंडी ली है और किसने रखा? अंकल ने क्यों रखना था पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा, 140 रुपए मिल रहे थे ये टमाटर, तो मैंने 2 किलो ले लिए। सही है, ठीक है, और साफ सुथरे थे, अच्छे थे। ठीक, यहाँ 160 मिल रहे हैं। हाँ, ये मैंने ना जस्ट वो अपने ब्रशेस का होल्डर वो लिया था, वैसे तो ये स्पून वगैरह के लिए बना हुआ है लेकिन मैंने फिर से अपने लिए ले लिया। 200 का ही आया था। और शिमला मिर्च ली है और ये स्पैगेटी बनाने के लिए बंद गोभी। शिमला मिर्च
वो ना अच्छी सी सब्जी काट रही थी, दे रही थी, अड़वी थी उसके पास, कही थी 110 देने, आप 100 रुपए ले लो किलो। मैंने कहा नहीं, और ये बंद गोभी 80 रुपए किलो, शिमला मिर्च 40 रुपए पाओ। मैंने कहा वो अनिका की स्पैगेटी बना ली है, ये इनकी स्कूल की सॉक्स आई है, 70-70 कह रहा था, तो पैक 4 चाहिए मुझे, तो उसने 50 लगा दी है, 4 सॉक्स आई है। अनिका क्या कर रही है टमाटर पे? आमना के 2 ब्रीफ लिए और लीमू 30 रुपए पाओ थे, 50 रुपए आधा किलो में, आधा किलो ये ले लिया। मैं बैंगन, अब बैंगन गोश्त में आएंगे, ठीक है। और ये 2 बिस्किट कहाँ से आएंगे मुझे पता ही नहीं है, छुप छुप के क्यों लेंगे बाबा। और ये मैंने मालूम से चिकन ब्रेड, हमें भूख लग रही थी तो खा लें फिर, बिस्मिल्लाह। चलो प्लेट लेके आए, मैं हम आपके लिए रोटी बनाने लगी हूँ। कह रहे थे आप भिंडी बना ली और बच्चों के लिए आलू गोश्त बना ली, अड़ियाँ नहीं मिली। चलो ठीक ठीक है, आमना को भरे हैं। बेटा दिल को संभाल, मिली चलो खुली है शॉप, आधे घंटे तक, 40 रुपए करने। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए और उसके बाद खाइए मून मार्केट में सर जी, और उसके बाद घर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कल नए व्लॉग।